नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज बात करेंगे हेल्थ की, और हेल्थ में भी घुटनों की समस्या। अगर आपके पेट जवाब दे जाएं, तो चाहे आपके दिल में कितने ही अरमान क्यों ना हो, आप अपने अरमानों को पूरा करने में खुद को अपाहिज महसूस करने लगते हैं। और आजकल पैरों में दर्द, घुटनों की समस्या आम बात हो गई है। हो सकता है उसके लिए हमारी लाइफस्टाइल जिम्मेदार हो, हमारी कुछ खामियां हों, लेकिन कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, घुटने की समस्या से बचने के लिए आवश्यक उपाय, अगर उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ डॉक्टर अगर हमको बताए तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आइए आज हम इसी संदर्भ में बात करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं दिल्ली से, और दिल्ली से युवा डॉक्टर डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, और घुटनों से संबंधित परेशानियों के जवाब हम उन्हीं से लेते हैं। आइए व्यूअर्स, चलते हैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल के पास, और हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल से। मैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल जी। प्रभात जी, बताइए, आपका तो बड़ा अनुभव रहा है, आपके पास ऐसे बहुत पेशेंट आ रहे हैं, बड़ी उम्र के भी आ रहे हैं, कुछ मध्यम वर्ग के भी लोग आ रहे होंगे, मध्यम उम्र के भी लोग जिनको ये परेशानी हो रही है, महिलाएं भी आ रही होगी। एक डॉक्टर के नाते सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि घुटने की जो समस्याएं आती है, क्या होता है, आपकी चिकित्सक की भाषा में यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या बढ़ता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है? देखिए, घुटनों की समस्या आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज, थोड़ी सी आवाज़ तेज हमारे व्यूअर्स तक जाए, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, घुटने की समस्या अभी काफ़ी यंग लोगों में भी हो रही है। पहले जो घुटनों की समस्या होती थी उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कहते थे जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटनों का उम्र के साथ एक नेचुरल तरीके से खिसाव होने लगता है, घुटनों के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के घुटने में एक ड्राइनेस जैसी अवस्था बन जाती है, और जो जनरली 65 से 70 साल के आसपास लोगों में देखा जाता है। इसके अलावा और तरह का जो आर्थराइटिस होता है उसको कहते हैं गठिया का आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज को इन्वॉल्व कर सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है और जो जॉइंट के अंदर लुब्रिकेंट बनाने की जो फिल्म होती है जिसको साइनोवियम कहते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उस पर सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जॉइंट के अंदर की जो कार्टिलेज है वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जॉइंट अपना फंक्शन जॉइंट का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है, पेन हमेशा रहने लगता है। ये कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है। जो गठिया आर्थराइटिस है ये बच्चों से लेके बड़ों तक हो सकती है, और दूसरा जो नॉर्मल आर्थराइटिस है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वह जनरली एज रिलेटेड चेंज होता है, जिसको सिनाइल यानी कि बड़ी अवस्था में आकर आर्थराइटिस होता है। बट आजकल देखा जा रहा है जैसे कि लोग जिम में काफ़ी अपना समय बिता रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और उनका एक ही एम है कि किसी तरीके से वेट को रिड्यूस किया जाए, फिटनेस बनाई जाए, बट उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग का काफ़ी अभाव देखा जा रहा है, और जनरली उसी वजह से बार बार घुटने पर प्रेशर पड़ने से, इंजरी होने से घुटने के अंदर की जो मुलायम हड्डी है जिसको हम कार्टिलेज का नाम देते हैं, वह डैमेज हो जाती है, और हम उसकी वजह से देख पा रहे हैं कि 40 इयर्स 45 इयर्स की एज पे भी अभी लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जनरली एक 65 से 70 होता था वो अभी 40 45 पर भी देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, इसमें लाइफस्टाइल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा खान पान अभी काफ़ी कुछ बदल गया है, दूसरा फूड में एडल्ट्रेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जिम्मेदार हैं, जंक फूड ये सब जिम्मेदार हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी तक हम स्टडी ही कर रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हमेशा बढ़ ही रहा है, पॉल्यूशन कभी घट नहीं रहा है, तो जो पॉल्यूशन में की वजह से जो हमारे अंदर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसका हमारे जॉइंट्स पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये अभी तक प्रॉपर तरीके से इवन स्टडी भी नहीं हो पा रहा है।
लेकिन डॉक्टर मुझे ये बताइए कि खान पान का जो इफेक्ट है, खान पान का जो इफेक्ट है, लाइफ स्टाइल का इफेक्ट, जैसा कि आपने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए जिसकी वजह से, जिससे घुटनों को कोई शक्ति मिले, एनर्जी मिले, घुटनों की जो झिल्लियाँ हैं वो मजबूत रहे? इसमें दो तीन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा ओवरवेट। ओवरवेट का रीज़न हो सकता है थायराइड या डायबिटीज़। तो थायराइड या डायबिटीज़ होने की अवस्था में हमें अपना शुगर का लेवल एकदम मॉनिटर करना चाहिए। थायराइड का लेवल मॉनिटर करके दवाइयों को एडजस्ट करते रहना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि विटामिन डी, विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है। सनलाइट का अक्सर ऑफिस, हम सभी लोग आजकल ऑफिस में रहते हैं या घरों में बंद रहते हैं, खुला स्पेस नहीं है, उसकी वजह से हमें सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो पाता। आपने सनलाइट की बात की, एक सवाल है कि सनलाइट सुबह सुबह की मिले या कभी भी ले सकते हैं आप? अगर कुछ लोग, जिनकी अधिकतर लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, उसमें सजेस्ट किया जाता है कि जो 9 से 10 बजे के आसपास का टाइम है, उस समय वीक में 3 बार सिर्फ 10 से 15 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी है उसमें। लेकिन बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए। अगर बॉडी कपड़ों से कवर रहेगी तो हमें सनलाइट की बजाय सन की सिर्फ हीट मिलेगी। सन की हीट उतनी इफेक्टिव नहीं है, हमें सनलाइट की ज़रूरत है। सनलाइट में ना दिखाई देने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उसको चेंज करके विटामिन डी में बदल देते हैं। ओ, कोलेस्ट्रॉल? यस। तो वो ये एक तरह से हार्ट पर भी इफेक्ट आ रहा है इसका? यस, अभी तक रिसर्च में ये पाया गया है। विटामिन डी का रोल सिर्फ बोन की हेल्थ के लिए या जॉइंट की हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है। विटामिन डी हमारे कार्डियक, हमारे मानसिक और तमाम सिस्टम के लिए विटामिन डी का पाया जा रहा है। ये क्या, जो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, तो जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर देती है, ऐसा कुछ है? आप वैसा नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल उससे कम है तो भी वह हमारे लिए हार्मफुल है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल उससे अधिक है तो वह हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल। तो कोलेस्ट्रॉल के कई सारे प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में यूज होते हैं। कुल मिलाकर विटामिन डी का बहुत बड़ी अहमियत है। विटामिन डी आजकल लोगों को विटामिन डी के इंजेक्शन या फिर गोलियाँ लेनी पड़ रही है? यस, जब हम, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, और उनका हम अक्सर जो कंप्लीट एक चेकअप कराते हैं तो उसमें सरप्राइजिंगली काफ़ी हाई परसेंटेज डायबिटिक्स पहली बार पता चलता है, क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं था कि वो डायबिटिक हैं या थायराइड के मरीज हैं या उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नज़र आती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो हम इंजेक्शंस भी देते हैं, नहीं तो टैबलेट्स, और नहीं तो कुछ लोगों को टैबलेट्स लेने में दिक्कत होती है तो उसके लिए विटामिन डी का वाटर सॉल्युबल पाउडर भी आता है, सिरप भी आता है, उसकी कई तरह की फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप जो कैल्शियम ले रहे हैं डाइट में या टैबलेट्स में, विटामिन डी हेल्प करता है कि वो कैल्शियम बॉडी के अंदर बोन्स तक पहुँच जाए, तो उससे बोन्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, और अल्टीमेटली जब बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो जॉइंट का फंक्शन भी नेचुरली बेटर। बहुत सही बात है आपने। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं की जो किचन में काम करती है और है, उनको कोई केयर रखना चाहिए? अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि उनको गायनी प्रॉब्लम रहती है, ब्लीडिंग वगैरह की, उस कंडीशन में उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने की वजह से महिलाओं में खासतौर से एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। इसका सोर्स महिलाओं के बॉडी में ओवरीज होती है। अब कई बार उनको ऑपरेशन के जरिए हटा दिया जाता है क्योंकि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है, और कई बार जो 48 से 50 साल की अवस्था होती है जिसको मीनोपॉज का टाइम कहते हैं, मीनोपॉज के बाद उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन उनकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ईस्ट्रोजन कम हो जाने पर अगेन उनको वही बोन्स की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, और वो उनके पेन और स्वेलिंग में, उनको क्या केयर करना चाहिए, महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर उनको अर्ली मीनोपॉज हुआ है, यानी कि जो 50 साल से पहले ही मीनोपॉज हो गया है,
तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी एक ऑप्शन है ताकि उनको उनकी बोन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। युवाओं के लिए डॉक्टर कोई संदेश देना चाहेंगे 35-40 की उम्र में उनको आगे तकलीफ ना आए उनको क्या केयर करना चाहिए, फिजिकल लेबर की भी आवश्यकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं उनको जब भी एक्सरसाइज करें हमेशा एक ट्रेंड सुपरविजन के तहत ही करें। और कुछ लोग हार्ड सरफेस पर जॉगिंग करते हैं जो जॉइंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमेशा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गेयर में स्पोर्ट शूज में प्रॉपर ट्रैक पर ही जॉगिंग करना फ़ायदेमंद है। इवन अगर आप लंबे समय तक जॉगिंग करेंगे तो डेफिनेटली घुटनों की जो कार्टिलेज है जो मुलायम हड्डी है उस पर प्रहार एक तरीके से प्रहार होता है। एक एज तक तो वो रिपेयर हो जाती है बट एक सर्टेन एज के बाद हमारा रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाता है तो हमारा डैमेज ज़्यादा होता है। और फिर जो है बहुत बड़ी बात की लोग फिटनेस रखने के लिए लंबे समय तक जॉगिंग करते हैं और वो उन्हें पता नहीं होता कि उससे उनके घुटनों की कार्टिलेज है वो इफेक्टेड हो रही है उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जॉगिंग एक सर्टेन एज तक तो कर सकते हैं उसके बाद वो ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉक से उनका जो हार्ट का लेवल है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है शुगर का लेवल है वो सब भी कंट्रोल रहेगा और घुटनों की कार्टिलेज पर इम्पैक्ट नहीं आए। डॉक्टर घुटनों की सुरक्षा भी रहे, आपने जैसे कहा कार्डिक भी आपको सुरक्षा रहे, पैदल चलना क्या आप सजेस्ट करोगे? अच्छा यस पैदल चलना चाहिए और अगेन उसमें भी हमें 2-3 सावधानियों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम रोड पर ना चलें क्योंकि रोड की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है या वहाँ पर एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। तो हमेशा एक ऐसा पार्क चुनें जो आपके घर के पास हो और जहाँ पर ट्रैक प्रॉपर तरीके से बना हुआ हो और उसमें भी स्पोर्ट्स शूज पहनकर ब्रिस्क वॉक करें। अगर बिल्कुल धीरे चलेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा और अगर आप जॉगिंग करेंगे तो वो घुटनों की कार्टिलेज को धीरे धीरे एकदम से नहीं करेगा बट धीरे धीरे घुटनों की कार्टिलेज को डैमेज करेगा। दैनिक जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं वो चाहे तो अगर पैदल चल करके भी किसी अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं लेकिन आजकल एक चलन है कि मोटर बाइक है, कार है, ऑटो है, लोग उनसे जाना पसंद करते हैं। क्या आप सुझाव देंगे कि दैनिक जीवन में भी आप कोशिश करें पैदल चल करके अपने गंतव्य तक पहुँचें, उससे क्या कुछ लाभ है? जी जो छोटे छोटे हमारे काम हैं जैसे घर के पास से सब्जी लाना या दूध लाना या कोई और अपना घर का सामान लाना और जो ज़्यादा दूर नहीं है 0.5 किलोमीटर 600 मीटर के डिस्टेंस पे है तो मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे डिस्टेंस को अपने व्हीकल से ना कनेक्ट पैदल तय करें, उससे आपका थोड़ा एक्सरसाइज भी रहेगा और थोड़ा मोबिलिटी रहेगी। घुटनों के लिए माइनस नहीं है ये? नहीं पैदल चलना घुटनों के लिए माइनस नहीं है, घुटनों के लिए बिल्कुल माइनस नहीं है। और अगर आर्थराइटिस की समस्या हो गई है तो उसमें एक्सरसाइज भी साथ में करें, फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रेनिंग लेकर के होम बेस्ड प्रोग्राम आजकल हम डिज़ाइन कर लेते हैं उसमें पेशेंट्स को हम एक बार एक्सरसाइज सिखा देते हैं और बीच बीच में सुपरविजन के लिए बुलाते हैं और वो घर पर ही फिर घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम चलेंगे नहीं घुटनों की एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो जो बोन की स्ट्रेंथ है वो और कम होती जाएगी क्योंकि ये हमारी मशीन है, ये मशीन का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक कार है और अगर हमने उसे खरीद लिया और चलाएंगे नहीं तो वो खड़े खड़े ही खराब हो जाएगी, तो एक कार का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर एक चीज़ और बताइए, खान पान के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए? हमें जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमें नेचुरल डाइट जैसे कि ग्रीन्स, पत्तेदार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोशिश करें कि ऐसा आपको डेयरी प्रोडक्ट मिले जिसमें अडल्ट्रेंट ना हो। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जिनमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या चीज़? अखरोट के लिए लोग बोलते हैं जैसे कि बादाम और अखरोट का जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी रिच मात्रा में पाए जाते हैं, उनका नित्य सेवन करने से आर्थराइटिस में कुछ बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा जैसे कि किसी पेशेंट में हम टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड एक समस्या सामने आती है, तो यूरिक एसिड एक प्रोडक्ट है हमारे खाने पीने का, जो भी हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं उसको बॉडी यूटिलाइज करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और वो यूरिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है
लेकिन कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि या तो उनका यूरिक एसिड बनता ही ज़्यादा है या किडनी से कम निकल पाता है। वो यूरिक एसिड बॉडी के ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड की एक पसंदीदा जगह है जोड़ों की वही कार्टिलेज जहाँ पर वह जम जाता है। वो जमने के बाद धीरे 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 कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिक एसिड लेवल हम टेस्ट करते हैं। इसका नॉर्मल लेवल 2 मिलीग्राम से लेकर 7 मिलीग्राम तक होता है। जिन लोगों का इससे अधिक पाया जाता है उनको हम यूरिक एसिड कंट्रोल करने की दवाइयाँ देते हैं, साथ में डाइट के लिए बताते हैं कि उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट या एग या कुछ वेजिटेबल्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा जैसे सोयाबीन या राजमा या हरे मटर जिनमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है उनको कम लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बताया। कोई विशेष सुझाव चलते चलते देना चाहेंगे? कोई भी आप पेन किलर अपने आप से बिल्कुल मत, ओवर द काउंटर मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं हमारे भारतवर्ष में, और मैं सभी दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो कोई भी ओवर द काउंटर सिर्फ पेन की मेडिसिन लेके अपना जीवन यापन नहीं करें। अगर आप घुटनों की समस्या से संबंधित हैं तो अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हैं, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे एक बार मिलके कंसल्ट करके प्रॉपर वजह आइडेंटिफाई करें और उसके बाद जो वो पेन किलर आपको सजेस्ट करें बिल्कुल लें। लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर लंबे समय तक पेन किलर लेते रहेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है और काफ़ी समस्याएँ खड़ी हो सकती। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रभात अग्रवाल जी। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभात अग्रवाल जी को। दिल्ली के लोगों के लिए मुझे लगता है वीडियो खास उपहार हो सकता है। डॉक्टर ने बहुत धीमी गति से और बहुत समझा बुझा करके आपको अपना अनुभव शेयर किया, उचित सजेशन दिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए डॉक्टर प्रभात अग्रवाल दिल्ली में निर्वाण विहार ओम भिक्षु मेडिकल सेंटर में नियमित रूप से यहाँ इनका विजिट रहता है, आप यहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि एक सही डॉक्टर, एक सही परामर्शक, एक सही मार्गदर्शक आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन को सुखमय बना सकता है। इसलिए सही मार्गदर्शक को चुनिए, सही जगह पर पहुँचिए ताकि आपके जीवन को जो भी जटिलता, जो भी बिगड़ता है उसको वो मार्गदर्शक दूर कर सकता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अनुभवी डॉक्टर की परामर्श की वजह से एक बहुत बड़ी सौगात बन करके आया है। मैं चाहूँगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए भी बहुत सारे कंटेंट हम लाते रहते हैं। मुझे विश्वास है आपको पसंद आएगा। डॉक्टर प्रभात अग्रवाल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप भी थैंक्स कहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में वहाँ का नंबर और वहाँ के एड्रेस आपको मिलेंगे। अगर आप चाहें तो एक युवा सुयोग्य अनुभवी परामर्शक से मिल सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आभार, नमस्कार।